कराची में पीने के साफ पानी की किल्लत मसला बन गई है। कोरंगी नंबर 2 के मकीन लाइन टूटने की वजह से 10 रोज से बुनियादी जरूरत से महरूम है। टैंकर माफिया की चांदी हो गई है। हमना निसार की रिपोर्ट। कराची का इलाका कोरंगी करबला बन गया। शहरी 10 रोज से साफ पानी से महरूम। वाटर लाइन टूटने की वजह से इलाका मकीनों की चांदी हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि घरों में पानी खत्म हो चुका। बच्चे मस्जिद से पानी ला रहे थे मगर अब मस्जिद का पानी भी खत्म हो गया। वुजू करना भी मुश्किल हो गया। पानी के लिए बच्चे बेघर हो रहे, भीख मांगते फिर रहे, मस्जिदों में से ला रहे। मस्जिद में होगा तो पानी नहीं देंगे ना। पानी है ही नहीं मस्जिदों में भी, नहीं वजू के नहीं है। लेन ले रहे हैं, लेन लगा रहे हैं, खारा पानी भर भर के ला रहे हैं। टैंकर माफिया को पानी दे रहे हैं ये, वो 5-5 हज़ार रुपये का, 2-2 हज़ार रुपये की सुजुकी जो 2-2 कूलर पानी है, पानी मिल ही नहीं रहा बिल्कुल। पानी के लिए इतने परेशान है कि पीने के लिए पानी नहीं है हमारे पास, है ना। और ये अच्छी बात नहीं है। पैसा अगर चाहिए तो हमसे पैसा लेके जाओ, पर पानी के लेन नहीं, पानी के लेन बनवा के तो हम पीछे नहीं हटने वाले। रानी एक हफ्ते से ज्यादा हो गए पानी, अब परेशान हो गए पीने के लिए भी, पानी नहाने धोने के लिए देखो कपड़े इतने सारे पड़े। हुकूमत को ये चाहिए कि दुनिया आवाम खराब, फिर अगर आवाम निकल आएगी बाहर फिर क्या बनेगा। इलाका मकीनों का कहना है कि लाइन की मुरम्मत करके पानी का मसला हल किया जाए और टैंकर माफिया को लगाम दी जाए। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ हमना निसार, आज न्यूज़ कराची।